सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोरेटोरियम पीरियड के बारे में। मोरेटोरियम पीरियड एक काफी यूजफुल और पॉपुलर कंसेप्ट है होम लोन्स के अंदर, एजुकेशन लोन के अंदर या प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर। प्रोजेक्ट फाइनेंस मतलब अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई प्लांट लगाते हैं किसी तरीके का, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस मिल जाता है। अब इस तरीके के लोन्स के अंदर आपको एक मोरेटोरियम पीरियड की फैसिलिटी मिलती है, जिसके अंदर आपको एक इनिशियल हॉलीडे पीरियड मिल जाता है। जब तक वो मान लीजिए प्रोजेक्ट लग रहा है या आपका मान लीजिए एजुकेशन चल रही है, तो आपके पास मान लीजिए ईएमआई भरने के लिए पैसे नहीं है, तो एक हॉलीडे पीरियड मिल जाता है जिसके अंदर आपको ईएमआई नहीं भरनी होती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है और उस पीरियड के अंदर जो इंटरेस्ट होगा वो आपको किस तरीके से पे करना होगा, कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, मोरेटोरियम पीरियड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इन सारी बातों को हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको ये पूरा कंसेप्ट और कैलकुलेशन ठीक से समझ में आ जाए। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए मोरेटोरियम पीरियड को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एजुकेशन लोन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी लोन की टाइमलाइन है। आप मान लीजिए एक 2 साल की डिग्री कर रहे हैं, इसको मैं 0 डेट मान लेता हूं। आपने मान लीजिए यहां पे लोन लिया आपकी जब डिग्री स्टार्ट हुई, और लेट से आपकी 2 साल की डिग्री चलती है, तो ये 2 साल की डिग्री हो गई। अब एजुकेशन लोन के अंदर क्या होता है कि आपकी जो ईएमआई होती है वो आइदर 1 ईयर ऑफ कोर्स कंप्लीशन और 6 मंथ्स आफ्टर जॉब, दोनों में से जो भी पहले होगा तब आपकी ईएमआई स्टार्ट होगी। मतलब कि आपको ये 2 साल की आपने जब ये डिग्री कंप्लीट करी, अगर आपकी मान लीजिए इमीडिएटली जॉब लग जाती है, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि आपकी ये इमीडिएटली आपने डिग्री खत्म करी, यहां पे आपकी जॉब लग गई, राइट। उसके बाद ये 6 महीने का आपको और ग्रेस पीरियड मिला, यहां पे 2.5 ईयर्स हो गए, और इसके बाद आपकी रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहां से अपना लोन रीपेमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो अब ये जो 2.5 साल का पीरियड है कि पहले 2 साल जब आपने डिग्री करी और बाकी आपके जो 6 महीने एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मिला, इसके दौरान जो ये टाइम पीरियड है, इसी को हम मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं। ये वाला जो आप पीरियड देख रहे हैं, मैं यहां पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ये आपका मोरेटोरियम पीरियड है, जब आपको ना तो कोई ईएमआई भरनी है। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप खाली इंटरेस्ट पे कर सकते हैं यहां पे मोरेटोरियम पीरियड में, या आप ऑप्ट कर सकते हैं कि ना प्रिंसिपल पे करेंगे ना इंटरेस्ट पे करेंगे। तो एजुकेशन लोन के अंदर जनरली लोग इंटरेस्ट भी नहीं पे करते हैं, तो आपकी जो फुल ईएमआई होगी वो यहां से स्टार्ट होगी। तो आपकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, अभी इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम आपका मान लीजिए एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट है। तो अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आ जाता है कि जब आप नो इंटरेस्ट, राइट, नो इंटरेस्ट, आप मतलब कुछ भी नहीं भर रहे हैं, ना इंटरेस्ट भर रहे हैं ना प्रिंसिपल भर रहे हैं पहले 2.5 साल तक। तो इस केस में आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में, पहले साल में आपका कितना इंटरेस्ट आया 10% के हिसाब से 5 लाख पे 50,000 आया। 2 साल का अगर हम पकड़ेंगे तो ये आपका 1 लाख हो जाएगा, और अगर हम 2.5 साल का पकड़ेंगे 2.5 ईयर्स का, तो ये आपका हो गया 1.25 लाख, राइट। तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया 2.5 साल तक का, यहां से 0 से लेकर 2.5 तक। तो अब आपके ये जो ईएमआई होगी 2.5 के आगे कैलकुलेट होगी। तो अभी हम यहां पे मान लेते हैं कि 5 साल का आपका और लोन चलेगा, तो यहां पे 7.5 ईयर्स लिख देता हूं मैं। तो अब अगर हम यहां पे 5 साल की आपकी ईएमआई कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इस केस के अंदर हो जाएगा 6.25 लाख, राइट। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब यहां पे क्या हुआ है, ये जो 5 लाख का आपका प्रिंसिपल अमाउंट था पहले का, उसमें आपका ये इंटरेस्ट पोर्शन 1.25 लाख का, जो यहां से 2.5 साल का जो आपने इंटरेस्ट नहीं भरा था वो एड हो गया, राइट। तो आपका टोटल प्रिंसिपल हो गया 6.25 लाख। तो अब 6.25 लाख एट द रेट एट फॉर 5 ईयर्स एट 10% के हिसाब से आपकी ईएमआई कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपकी जो ईएमआई आएगी वो लगभग, मैं रुपीज में अगर लिखूं, तो ये 13,279 आएगी, राइट। तो इस केस में आप पूरी की पूरी 6.25 लाख के ऊपर ईएमआई भरेंगे। अब दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास कि आप खाली ओनली इंटरेस्ट ड्यूरिंग मॉरेटोरियम पीरियड। अब मान लीजिए आप अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इन 2.5 सालों में, आपका ये जो इंटरेस्ट था 1.25 लाख का, ये आपने पे कर दिया साथ के साथ, राइट।
तो इस केस में आपका जो प्रिंसिपल होगा वो 5 लाख ही माना जाएगा, राइट, क्योंकि आपने इंटरेस्ट तो साथ के साथ पे कर दिया। अब आपकी जो ईएमआई कैलकुलेट होगी वो 5 लाख के ऊपर कैलकुलेट होगी, लेट से 5 साल के लिए 10% के हिसाब से जो अब हम ईएमआई मानेंगे, तो आपकी ईएमआई इस केस के अंदर 10,624 हो जाएगी, राइट। तो अगर आपको लगता है कि मेरी ईएमआई मैं अपना इंटरेस्ट रेट पे कर सकता हूं मोरेटोरियम पीरियड के अंदर, तो आपको जरूर कर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास बर्डन हो जाएगा, मैं नहीं पे कर पाऊंगा एजुकेशन लोन के अंदर स्पेशली, क्योंकि स्टूडेंट्स अर्निंग नहीं होते हैं तो इंटरेस्ट रेट भी पे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ऐसे केस में जनरली स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं कि वो जब जॉब लगने के बाद ही पे करते हैं। और मान लीजिए, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूं, मान लीजिए आपकी जॉब नहीं लगती है यहां पे, इमीडिएटली आफ्टर डिग्री नहीं लगती है, तो मैक्सिमम 1 साल तक वेट करेगा, तो 3 साल के बाद, मतलब जब से लोन डिसबर्स हुआ है 3 साल के बाद आपकी रीपेमेंट करनी ही करनी है, चाहे आपकी जॉब लगे या ना लगे। अब क्योंकि बैंक्स को तो अपने लोन वापस लेने ही हैं, और मान लीजिए अगर आप लोन पे नहीं करते हैं, उस केस में आपका जो है क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। अब क्रेडिट स्कोर खराब होने का मतलब है कि फ्यूचर में आपको कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में बहुत दिक्कतें आएंगी, तो ये आप नहीं चाहेंगे क्रेडिट स्कोर अपना खराब करना। तो आप जितना जल्दी हो सके आप अपना लोन जरूर स्टार्ट करिए पे करना, आपको कोशिश कीजिए आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, और अगर नहीं भी मिलती है तो आप अपने किसी पर्सनल सोर्सेस से या फैमिली से लेके आप उसको रीपे करना जरूर स्टार्ट कीजिए। तो ये हो गई एजुकेशन लोन की बात। अब एजुकेशन लोन में जिस तरीके से काम करता है मोरेटोरियम पीरियड, एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से ये होम लोन में भी काम करता है। अब होम लोन में क्या होता है कि जनरली होम लोन में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए लोग मोरेटोरियम पीरियड लेते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मतलब जब 3 साल तक, मान लीजिए 2.5-3 साल तक कंस्ट्रक्शन चलती है, उस दौरान आपको मोरेटोरियम पीरियड मिल जाता है। लेकिन इस केस के अंदर बैंक इंसिस्ट करता है कि आप इंटरेस्ट साथ के साथ पे करें। तो जो पहले 3 साल का, मान लीजिए 3 साल का मोरेटोरियम पीरियड है, तो उस 3 साल के अंदर आपको इंटरेस्ट जरूर पे करना होगा, और उसे हम प्री ईएमआई इंटरेस्ट कहते हैं। और 3 साल के बाद आपकी फुल ईएमआई स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो अब ये जनरली होम लोन के केस में ये लंबे टाइम पीरियड के लोन्स होते हैं, ये जनरली 15 साल, 20 साल, 25 साल के लोन होते हैं, तो आपको करीब करीब 2.5-3 साल का आराम से मोरेटोरियम पीरियड मिल जाता है। और अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस केस में भी आपको थोड़ा बहुत मोरेटोरियम पीरियड मिल सकता है, 3 महीने का, 6 महीने का, लेकिन आपको वो तभी लेना चाहिए जब आप ईएमआई नहीं भर सकते हैं या आप अपना इंटरेस्ट नहीं भर सकते हैं, उसी केस में लेना चाहिए अगर आपकी कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ जाती है तो। बट अंडर कंस्ट्रक्शन के केस में ये काफी पॉपुलर है प्री ईएमआई इंटरेस्ट। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक काफी डिटेल्ड वीडियो बनाया था, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख सकते हैं मेरा। तो ये हो गई होम लोन की बात। कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम ही काम करता है, आपके लिए दोनों ऑप्शन है। यहां पे जनरली नो इंटरेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो बहुत कम मिलता है, और वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए मिलता है होम लोन के केस में। लेकिन मोरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट पे करने वाला ऑप्शन आपको काफी आसानी से मिल जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस की। प्रोजेक्ट फाइनेंस का मतलब है अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई मान लीजिए फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लोन मिल जाता है प्रोजेक्ट के बेसिस पे, उसे हम प्रोजेक्ट फाइनेंस कहते हैं। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट लगाने के लिए, अब क्योंकि इनकी जो अर्निंग पोटेंशियल होता है वो ये मान के चलिए 20 साल से लेके 50 साल तक के लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। तो इसमें आपको जो लोन मिलता है वो जनरली 10 साल से लेके 15 साल या लेट से कभी कभी 20 साल तक का भी मिल जाता है। तो ऐसे केस में आपको मोरेटोरियम पीरियड मिल जाता है 3 से 5 साल का। 3 से 5 साल के अंदर आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं इसके केस में भी, या तो आप खाली इंटरेस्ट भर सकते हैं मोरेटोरियम पीरियड के अंदर, या फिर आप पूरी की पूरी ईएमआई हॉलिडे ले सकते हैं, आपको ना प्रिंसिपल भरना पड़ेगा ना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, जो हमने ये वाला ऑप्शन देखा था। तो ये दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस के केस में। अगर आप कोई भी ना इंटरेस्ट भी भरते हैं तो उस केस में आपका इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दिया जाता है, जैसे हमने इस केस में देखा कि आपका ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल के अंदर ऐड हो गया, और उसके बाद आपका जैसे मान लीजिए 3 साल का मोरेटोरियम पीरियड था, उसके बाद से आपकी फुल ईएमआई स्टार्ट हो गई, और पहले का जो इंटरेस्ट था वो आपका प्रिंसिपल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है, चाहे एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो या प्रोजेक्ट फाइनेंस हो। मोरेटोरियम पीरियड में बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ना प्रिंसिपल भरे ना इंटरेस्ट भरे, तो यहां पे ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है आप खाली इंटरेस्ट भर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन हो जाती है। अब हाँ, इसमें एक बात यह आती है कि अगर आप इंटरेस्ट भर देते हैं मोरेटोरियम पीरियड में, तो आपको कंसेशन मिल जाता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, 0.5 से लेके 1% का आपको कंसेशन रेट मिल जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका 10% एजुकेशन लोन अगर आपको मिल रहा था, तो अगर आप मान लीजिए इंटरेस्ट भर देते हैं मोरेटोरियम पीरियड में, तो हो सकता है आपको वो 9% में मिल जाए।
तो इस तरीके के कंसेशन कई बार अलाउ हो जाते हैं, आप अपने बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट का अगर आपको फायदा हो रहा है तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। अगर आप इंटरेस्ट भर सकते हैं मोरेटोरियम पीरियड में तो आपको जरूर भर देना चाहिए। तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको मोरेटोरियम पीरियड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप आई थिंक डिसाइड कर पाएंगे फ्यूचर में कि आपको मोरेटोरियम पीरियड लेना चाहिए या नहीं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से या इस चैनल से रिलेटेड, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर वीडियोज के लिए। मैं आपके सारे कॉमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूँ, तो मुझे मैक्सिमम कॉमेंट्स करके बताइए कि मुझे और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए। और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं हर रोज इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।